मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है समांतर श्रेणी और इसको इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AP. तो पहले हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। ऐसी श्रेणी जिसमें पिछले पद और अगले पद का अंतर हमेशा समान रहता है। क्या? ऐसी श्रेणी जिसमें पिछले पद और अगले पद का अंतर हमेशा एक समान रहता है, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में आप कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है A.P. जैसे 2, 5, 8, 11, 14 and so on। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी जो अगला पद है और पिछला पद है, 5 में से अगर 2 को माइनस करें तो 3 आएगा। ऐसे ही तीसरा पद है 8, दूसरा पद है 5, 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आएगा। चौथा पद है 11, तीसरा पद है 8, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3। ऐसे ही पाँचवा पद है 14 और चौथा पद है 11, तो 14 में से 11 को माइनस करेंगे 3। तो आप देख रहे हो कि जब भी अगला पद है और पिछला पद है, दोनों का अंतर एक समान आ रहा है। और ये एक समान जो अंतर है उसी को हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर सार्व अंतर जो है इसका 3 है। तो सार्व अंतर को आप डी से डिनोट करते हैं, तो D=3। ऐसे ही एक और अगर हम समांतर श्रेणी देखें, 4, 8, 12, 16, 20 and so on। तो यहाँ पर भी अगले पद और पिछले पद का जो अंतर है वो एक समान है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तीसरा पद है 12, 12 में से 8, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे 4। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा जब भी हम अगले पद में से पिछला पद माइनस करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक समान अंतर आएगा, जो कि 4 होगा। तो इसका सार्व अंतर 4। अब सार्व अंतर की अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो सार्व अंतर समांतर श्रेणी के अगले और पिछले पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो डी की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी कि A2 - A1। तो जैसे कि भी ये पहले वाली समांतर श्रेणी थी, इसमें अगर हमें डी निकालने के लिए बोला जाए सार्व अंतर, तो फार्मूला आपके पास है A2 - A1। A2 की वैल्यू 5 है और A1 की वैल्यू 2 है। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी है, इसमें D की वैल्यू निकालनी हो तो A2 - A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 8, पहला पद है 4। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दिया कि होती क्या है।